देश के 140 करोड़ लोग यह जानना चाहता है कि यह पैसा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, हेमंत सोरेन जी का है, मिथिलेश ठाकुर जी का है, बालू का है, पत्थर, और साथ साथ देश के लोग भी जानना चाहता है ये पैसा किसका है। पूरे दुनिया में पहला बार आईटी के रेड में या किसी देश के एजेंसी के रेड में इतना बड़ा कैश पाया गया है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स के छापे पर भारी भरकम नोट मिलने के बाद सियासत गर्म। भाजपा ने गढ़वा में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स के छापेमारी के बाद अलमारी में मिले भर भर के नोटों से भरे कैश की जब्ती के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। गढ़वा में शनिवार को मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर गढ़वा जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि धीरज साहू के यहां मिला हुआ रुपया आखिर किसका है, मुख्यमंत्री का है, कांग्रेस का है या मिथिलेश कुमार ठाकुर का है, और यह आया कहां से, बालू से, कोयला से, जमीन घोटाला से या फिर शराब घोटाला करके यह रुपया यहां जमा किया गया है। भाजपा इसके लिए आंदोलन कर धीरज साहू को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करेगी और इसकी जांच सीबीआई से या फिर ईडी से कराई जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व अन्य कई नेता शामिल थे। सबसे बड़ा प्रश्न है, आज देश के 140 करोड़ लोग यह जानना चाहता है कि यह पैसा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, हेमंत सोरेन जी का है, मिथिलेश ठाकुर जी का है, बालू का है, पत्थर का है, कोयला का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का है या फिर जमीन घोटाला का है या फिर शराब घोटाला का है। यह झारखंड प्रदेश के लोग जानना चाहता है और साथ साथ देश के लोग भी जानना चाहता है ये पैसा किसका है। पूरे दुनिया में पहला बार आईटी के रेड में या किसी देश के एजेंसी के रेड में इतना बड़ा कैश पाया गया है, वो भी कांग्रेस सांसद के घर पे, उनके ठिकानों पे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस कितना बड़ा भ्रष्ट है। आज जहां गरीब दाने दाने के मोहताज है, वहां उनके सांसद के घर में इतना 100 करोड़ रुपया पाया जाना, अब तक तो 300 करोड़ की गिनती हो चुकी है, अब कितना करोड़ और गिना जाना बाकी है। इससे पता चल रहा है कि इन लोगों ने देश के गरीबों का खून चूसा है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे लोग हैं, चाहे जिसका भी पैसा हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। पार्टी का यह मांग है, इसका जांच ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा या न्यायिक अधिकारी को बैठा करके किया जाना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है वो जेल के सलाखों के पीछे रहे, और जो इसके संरक्षक है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे झारखंड प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिला स्तर पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भाजपा कल हर जिले में धरना और प्रदर्शन करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। तो बताएं, सही आंकड़ा क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आप कांग्रेस के अध्यक्ष को मुझे लगता है आईटी डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाना चाहिए। अब आपके घर पाया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया के लोग टीवी पे देख रहे हैं, समाचार पत्र में छप रहा है, हम उसी को आधार बनाकर बात कर रहे हैं, और आप हमसे निश्चित आंकड़ा पूछना चाहते हैं। वो आईटी जिस दिन रेड कंप्लीट हो जाएगा, आईटी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम करेगा। इसमें उनको इतना क्यों परेशानी हो रही है? इसका मतलब है कि जो आईटी ने नस दबाया है वो सीधे सीधे कांग्रेस का धड़कन बंद करने वाला है।